जी बिल्कुल, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चूने के हेडमास्टर मलकला दास साहब ने केएनएन 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे स्कूल के शागिर्द और बच्चे एक फैमिली की तरह मिलजुल कर रह रहे हैं और स्कूल की कारकर्दगी हमेशा नुमाया रही है। मजीद उर्दू और इंग्लिश मीडियम पर बात करते हुए मलकला दास साहब का कहना था कि 2009 में तमाम स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दिए गए थे, मगर हकीकत इसके बरक्स है। किताबें तो इंग्लिश में छपती हैं लेकिन बच्चों को नहीं मिल रही, बच्चों को बाहर से उर्दू मीडियम की किताबें खरीदना पड़ती हैं। गवर्नमेंट ने एजुकेटर्स और साजा भी भर्ती किए मगर इंग्लिश मीडियम स्कीम बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। हेडमास्टर साहब ने वज़ीर तालीम, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला पाकिस्तान से अपील की है कि इस बात का नोट्स लें, गवर्नमेंट के अरबों रुपए ज़ाया हो रहे हैं, महकमा एजुकेशन में कुछ करप्ट लोग मौजूद हैं, उनके भी असासे चेक किए जाएँ और सबसे पहले मुझसे हिसाब लिया जाए। मलकला दास साहब ने सरकारी स्कूलों के रिजल्ट के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब भी किसी क्लास के इम्तहान होते हैं तो उसाज़ा की ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं, अगर प्राइमरी के इम्तहान से फ़र्ग हों तो मिडिल के शुरू हो जाते हैं और फिर मैट्रिक के, इसके बाद रही सही कसर प्रैक्टिकल और जून जुलाई की छुट्टियां निकाल देती हैं। सिलेबस की तरफ उसाज़ा कैसे तवज्जो दे, वो भी आखिर इंसान है, सिर्फ पढ़ाने के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना ही मिलता है। इसके अलावा बच्चों के पेपर का वक्त भी फर्स्ट टाइम रखा जाता है। उधर प्राइवेट स्कूल के उसाज़ा इम्तहान के वक्त दिल खोल कर निगरानों को महंगे होटलों में खाना और नजराना पेश करते हैं, चेकिंग ऑफिसर बगैर पेपर चेक किए नंबर लगा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इस पर खास तवज्जो दे और बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद होने से बचाया जाए। अल्लाह साहब, तहसील पोर्टल KNN 24 न्यूज़, मंगा मंडी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फरूक ने रमजान बाजारों का अचानक दौरा किया। उन्होंने फल, सब्जियों और दीगर अशिया के मयार और कीमतों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर हर स्टॉल्स पर गए और सारिफ को ज्यादा मुआशी रिलीफ दिलाने की तरगीब दी। कमिश्नर ताहिर फरूक ने चौक, चौरबट्टा, रमजान बाजार में वॉक थ्रू गेट नस्ब करके सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने दो अफराद मुतयन करके मुकर्र औकात में बेहतर सफाई यकीनी बनाने की हदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उस्मान जलीस और दीगर अफसरान मौजूद थे। बदीन, जिला बदीन की आवाम रमजान रिलीफ पैकेज से महरूम है। जिला बदीन के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया खुर्दनोश की अदम फराहमी, यूटिलिटी स्टोर्स मुकम्मल तौर पर खाली हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स खाली होने के सबब गरीब आवाम मार्केट से महंगे दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर है। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मिला सकी हर खबर से बाखबर रहने।